फ्रेंड व्हाट्सएप की न्यू अपडेट के बाद अब तो आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस की जगह भी अपडेट्स जो है वो देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता होगा कि अब व्हाट्सएप के स्टेटस हो गए हैं गायब और स्टेटस की जगह हमें कुछ अपडेट्स का टैब जो है देखने को मिल रहा है। और उसके बाद फ्रेंड अगर आप अपडेट के टैब पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ चैनल्स वाला जो है एक न्यू टैब देखने को मिल रहा है, चैनल्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पहले जो है आपको इसकी जगह फ्रेंड स्टेटस सिर्फ देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है व्हाट्सएप की न्यू अपडेट के बाद चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस अपडेट के सेक्शन को हटा के दोबारा जो है अपने व्हाट्सएप में चैनल्स की जगह जो है वो चैनल्स को लेकर आ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त चैनल्स की जगह जो है वो चैनल अपडेट की स्टेटस की जगह स्टेटस ही आ रहा है, चैनल जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं स्टेटस पर जाके आप लोगों को दिखा दूँ तो ये देखिए स्टेटस ही हमें देखने को मिले हैं, कोई भी जो चैनल वाला टैब है वो हमें देखने को नहीं मिला। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे इन स्टेटस को अपडेट्स को रिमूव करके चैनल को रिमूव कर सकते हो और अपनी व्हाट्सएप को पहले जैसा नॉर्मल बना सकते हो जैसी आपकी व्हाट्सएप पहले थी। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, स्टे विद अस दोस्तों। मेरा नाम हुसैन, आप देख रहे हैं बैक ऑन टेक यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी ऐसी मजीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि अब हमें स्टेटस की जगह जो है ये अपडेट वाला टैब जो है देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें नीचे की जानिब जो है कुछ चैनल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हर बंदे को ये अपडेट जो है वो पसंद नहीं आई है, वो अपनी नॉर्मल वाली व्हाट्सएप चाहते हैं। तो फ्रेंड अपनी व्हाट्सएप को नॉर्मल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है APK प्योर। तो यहाँ पर गूगल पर जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ APK प्योर। जी हाँ फ्रेंड, APK प्योर जो है सर्च करने के बाद आपने इसी पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। पहली वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है व्हाट्सएप। तो यहाँ से मैं सर्च के आइकन बटन पे क्लिक करके यहाँ पे व्हाट्सएप जो है इसको सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ व्हाट्सएप, ठीक है फ्रेंड। तो व्हाट्सएप को सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे जो है एक आपको टैब देखने को मिलेगा ओल्ड वर्जन्स का, ठीक है। यहाँ पे आपने व्हाट्सएप के ऊपर आ जाना है कुछ ऐसे इसके ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ ओल्ड वर्जन जो है व्हाट्सएप के वो देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ वर्जन आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं व्हाट्सएप के ओल्ड वर्जन है। तो ये अपडेट तकरीबन कोई आए हुए, कोई इस अपडेट को आए हुए तकरीबन कोई 2-3 वीक्स हुए हैं। तो आपने ऐसा वर्जन निकाल लेना जो 2-3 वीक्स जो है ना वो पहले का हो, ठीक है। तो 2-3 वीक्स पहले का वर्जन जो है आपने यहाँ से व्हाट्सएप का निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुराने वर्जन जो है व्हाट्सएप के अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आपने जब 2-3 वीक पुराना वर्जन जो है निकालेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप है उसको इंस्टॉल कर लें, बैकअप वगैरह लगा लें आप अपने व्हाट्सएप से, बैकअप से सारी चैट रीस्टोर हो जाएगी और आपका जो टैब है वो अपडेट्स वाला वो हट जाएगा। एक यही वाहिद हल है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये व्हाट्सएप की न्यू अपडेट है और ये इनको हटाना सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब आप पुराना वर्जन जो है व्हाट्सएप का इंस्टॉल कर लें। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू।